अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं अपनी इंस्टाग्राम की वीडियो जो मैंने कल पोस्ट लगाए थे उसका शूट करने वाली हूँ। और लेट्स गो। अभी मैं जस्ट उठी हूँ और मेरे मुंह पे एक पिंपल पे निकल आया। सैड लाइफ। और मेरी हालत को इग्नोर करें क्योंकि आई जस्ट वॉक अप और मैंने अभी सिर्फ मुँह धोया है। तो लेट्स गेट फ्रेश अप एंड सी। सबसे पहले मैंने एक पोल लगाई थी रात को जिसमें मैंने दो ऑप्शन दी थी लोगों के कि मैं आज कौन सा आउटफिट पहनूं। उसमें ऑप्शन नंबर 1 थी शी क्लॉथ और ऑप्शन नंबर 2 थी कंफर्टेबल क्लॉथ। सो थैंक गॉड यू गाइस चूज कंफर्टेबल क्लॉथ क्योंकि मैं शी क्लॉथ बहुत कम पहनती हूँ। और इसका एक पोल जो है वो यहाँ पर मैं कहीं पर अटैच कर दूँगी सो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो लेट्स गो एंड चेंज माई आउटफिट। सो फाइनली मैंने अपना आउटफिट वगैरह चेंज कर लिया है और आप लोग अपना आउटफिट दिखाती हूँ। वेट अ मिनट, दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे। सो ये सो मैंने एक पोल डाली थी जिसमें था कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं और इसमें 2 ऑप्शन थी ब्रेड एग और दूसरी ऑप्शन थी पैनकेक्स एंड कॉफ़ी। मोस्टली ऑफ यू हैव चूज ब्रेड एग बट कहानी में एक ट्विस्ट है। सो मेरी बहन ने कहा कि पूरी हलवा खाने जाना और उसने कहा कि जब मैं सबकी इतनी बात मान रही हूँ तो एक बात उसकी भी मैं मानूँ। सो वी जस्ट केम टू ईट द पूरी हलवा। सो ये हमारा पूरी हलवा आ गया है और हम इसको खाएंगे। सो ये वीडियो बनाई थी और वो वीडियो हो गई डिलीट। अब मुझे नहीं पता वो डिलीट हुई है कि वो सेव नहीं हुई बट वो मुझे कहीं से भी मिल नहीं रही। अच्छा तो सीन अब ये है कि मैंने ना कल 2 पोस्ट डाली थी जिसमें ऑर्गेनिक स्किन केयर और दूसरी ऑप्शन थी के प्रोडक्ट स्किन केयर। तो मोस्टली आप लोगों ने चूज़ किया है ऑर्गेनिक स्किन केयर। मुझे एक्सपेक्टेड था कि ज़्यादातर लोग यही चूज़ करेंगे। सो बाकी आप लोग जाके आगे उस वीडियो को देख लो। सो आई एडेड सम ग्राम फ्लावर जिसको हम बेसन भी कहते हैं उर्दू में, सम कॉफ़ी, हनी एंड कर्ड। और अब ये मेरा मास्क रेडी है एंड आई विल मिक्स इट वेल। सो लेट्स गो एंड अप्लाई इट। सो मैंने अपने हेयर्स ट्राई कर लिए थे और अब मैं मास्क अप्लाई करूँगी। Let's go. मैं मास्क अप्लाई करने के बाद आती हूँ। सो मैंने मास्क लगा लिया और इससे मैं भूत से कम नहीं लग रही बट ठीक है कुछ नहीं होता। अब हम इसको ट्राई करते हैं। सो मैंने अपना हेलोइन जैसा मास्क उतार लिया था और अब बारी हमारे नेक्स्ट पोल की जो कि था अ ग्लोई मेकअप या अ फन मेकअप। तो अगर आप सब ने ज़्यादातर वोट ग्लोई मेकअप को किए थे। टाइटाई से कंपटीशन था लाइक 48/52 का लेकिन ज़्यादा वोट्स ग्लोई मेकअप को थे। सो हम अपना मेकअप करते हैं। लेट्स गो। और मैंने अपने लेंस लगा लिए थे ताकि मेकअप थोड़ा अच्छा लगे। हेलो, मैं दोबारा आ गई। अच्छा अब दोबारा एक सीन हुआ है कि एक और वीडियो मैं शूट करनी भूल गई थी। ये डिलीट नहीं हुई ना कि मुझे मिलनी हुई, ये मैं शूट करनी ही भूल गई थी। तो मैंने ना कल 2 ऑप्शंस दी थी कि मैं अपने नेल्स करूं जो कि ये हैं या फिर मैं उसको करूं पेंट करूं अपने जो रियल नेल्स हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि डू माई नेल्स का स्क्रीन शॉट यहाँ कहीं मैं लगा दूँगी। तो फिर मैंने अपना नेल्स किए थे और उसकी एक क्लिप है मेरे पास जो आप देख लें। बाकी पता नहीं मैंने क्या किया। मैंने अपने नेल्स कर लिए थे एंड इट्स टाइम टू डू माई मेकअप। यार इट्स बीन सो लॉन्ग फॉर मी टू डू माई मेकअप एंड सिट इन फ्रंट ऑफ अ कैमरा एंड डू द मेकअप थिंग। So I'm really excited. First I'm going to apply my moisturizer क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। So let's do it. यार मैंने ना
क्या बट आई एम डूइंग ओके एंड हमने स्किन पे मॉइस्चराइजर लगा लिया था और अब मैं अपनी स्किन पे इल्यूमिनेटर लगा रही हूँ ताकि मेरी स्किन मेकअप करने से पहले चमकना शुरू कर दे। चेक कर रहे हो? नहीं चेक कर रहे हो? मतलब जो अच्छा अब सीन कुछ यूँ है कि मैं फाउंडेशन निकाल रही थी और मैंने अपनी शर्ट पर फाउंडेशन का स्टेन लगा लिया सो आई विल जस्ट गो एंड चेंज माई शर्ट ओके मैंने अपनी शर्ट चेंज कर ली है और कुछ नहीं होता जिंदगी है यार चलता है गलतियाँ इंसान से होती हैं कुछ नहीं होता और अब मैंने ये फाउंडेशन है एंड नाउ आई एम मिक्सिंग इसमें इल्यूमिनेटर क्योंकि इससे से तो ग्लो आएगा क्योंकि और तरीके नहीं मुझे आते फेस पर ग्लो लाने के हम इसी से ग्लो लाएंगे अपने फेस पे जस्ट अप्लाई थोड़ा थोड़ा सा अपने मुंह पर और इसको मैं सेट करने के बाद आती हूँ मैंने फाउंडेशन अच्छी तरह अपने मुंह पे थोपी है ओके एंड नाउ आई एम मेकिंग माय ब्राउज मैं ब्राउज को थोड़ा जल से सेट कर लूँगी जस्ट दिस इज़ माय ब्राउ पैलेट और मैं इसे जल से सेट कर रही हूँ मैं कुछ इतना करती नहीं क्योंकि मेरे ब्राउज पहले ही बहुत थिक हैं तो मैंने इतना कलर वगैरह फिल करके इसको और बहुत ज़्यादा यार मुझसे ना इतना खपा नहीं आता डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे तो मैं इसी ब्राउ पैलेट में से जो ये दूसरा कलर है इसको लेकर मैं आँखों पर थोप लूँगी और आई डोंट नो ये वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल में क्यों हुई जा रही है तो मैं अपनी आंखें भी करके आ जाती हूँ फिर आई एम डन विद माई आई मेकअप देखो 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 आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वट एवर यार मुझे ये नहीं पता मैंने मेकअप कर तो लिया लेकिन मैंने मेकअप करके जाना की तरह अभी वैसे पूरा मेकअप नहीं हुआ मेरा बूथा शरीफ पर पड़ा हुआ है बट फिर भी लाइक माई आईज लुकिंग चेक ओके अब हम अपने मुंह पर लगाएंगे लाल लाल लाली शीशे लगे हम तो भाई बहुत शर्मा रहे हैं और नेचुरल ब्लश कर रहे हैं मतलब लाइक ब्लश ब्लश वाली फील आनी चाहिए ना और वो पठानों वाली क्योंकि हमारे मुंह जैसे पटकते नहीं हैं गाल पटकते नहीं हैं लाल लाल चलो अब हम लगाएंगे लिपस्टिक और हमारा हो जाएगा मुंह तैयार सो लिपस्टिक लगा सो वी आर डन विद आवर मेकअप अच्छा फॉर रियल आई रियली वांटेड कि आप लोग फन मेकअप लुक को वोट करो क्योंकि मेरे को कुछ मज़ेदार करना था बट यू गाइस वांटेड मी टू डू दिस सो खैर यार कुछ नहीं होता जिंदगी चलता सो इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट पोल अब मैं इधर सज संवर के बैठी गई तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी नेक्स्ट पोल करें अब इस पोल में ये था कि इधर आई शुड रिक्रिएट आ टिक टॉक और आ फोटो और मोस्टली लोगों ने यही कहा है कि आई शुड रिक्रिएट आ टिक टॉक सो आई विल रिक्रिएट आ टिक टॉक व्हाट्स योर नेम लड़की राबिया राबिया क्या करती बेटा जी क्या करती बेटा पढ़ती हूँ क्या पढ़ती हो नाइन्थ में पढ़ती हो बताओ कौन सा इतनी परेशान क्यों पढ़ रही हो तो हमारे पर एहसान थोड़ी कर रही हो मोस्टली सारी पोल्स हो गई थी सिर्फ थ्री पोल्स रह गई थी सो अब है बारी पोल की जिस पे हमारे पास था कि डू माय असाइनमेंट और प्ले पबजी तो मैंने अपनी असाइनमेंट बना ली थी और ये मैंने इतना काम कर लिया था आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड उसको लेकिन मैंने कर लिया था सो देन वो डाटा टू और अब मैं कुछ पकाने लगी हूँ कुछ नहीं मतलब स्टेक बनाने लगी हूँ कसम से मेरा बनाने का ना कुछ बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था आई वाज सो लेजी और पूरा दिन गुजर चुका है और इस टाइम अब बाकी मेरा दिल किया है कि मैं किचन में चली जाऊँ कुछ बना लो So let's cook.
सीजन में बहुत गर्मी है और अपना टाइम में हमारी लास्ट पोल का ओरियो शेक और कोल्ड कॉफ़ी, जिसमें से क्लियरली ओरियो शेक जीत चुका है। तब हम ओरियो शेक बनाते हैं ताकि हम इस शेक के साथ ही इसको पी लें। और मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करूं क्योंकि ये बहुत लंबा ही जा रहा है। लेट्स गो टू आवर लास्ट पोल। आई एम रियली एक्साइटेड टू एंड दिस ब्लॉग। ये हैं मेरी शेक्स और ये बन चुकी हैं, और ये ओरियो शेक। सो लास्ट दोनों पोल्स भी मैंने कर ली हैं, जो कि ही कुक माई सेल्फ एंड मेक ओरियो शेक। सो हियर्स एन एंड टू माय व्लॉग। हियर्स एन एंड टू माय व्लॉग एंड आई होप यू गाइस लाइक्ड इट, क्योंकि मेरा पूरा दिन इस व्लॉग में गया, लिटरली पूरा दिन। और मैं पूरा दिन व्लॉग करती रही हूँ एंड और ये गेटअप और सब काफ़ी मुश्किल काम था यार, बट आई डिड इट, आई डिड इट। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, बाय बाय।